किस मंत्री ने, किस अधिकारी ने एक ऐसी कंपनी को ये काम दिया, पुल की मेंटेनेंस का, 100 साल पुराना पुल, उसके रखरखाव और उसके संचालन का काम एक ऐसी कंपनी को दिया जो बिजली के बल्ब बनाती है, जो दीवार घड़ी बनाती है और जो मच्छर मारने का रैकेट बनाती है, जिसका कोई अनुभव नहीं, उस कंपनी को आपने ये काम दिया? क्या इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ऑडिट रिपोर्ट थी? क्या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना वजन वो पुल ले सकता है, ये कोई सरकार ने कोई असेस किया या नहीं किया? 100 लोग जिस पुल पर चढ़ सकते हो, उस पर 500 लोग अगर चले जाए और कोई रोकने वाला नहीं हो, क्योंकि टिकट के 12 रुपए और 17 रुपए, तो एक निजी कंपनी जिसको कमाना था उसने भीड़ वहां इकट्ठी कर दी, और चुनाव का दबाव है, आप जल्दबाजी में हर प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, तो आपने ये भी नहीं देखा कि क्या उस पुल पे सुरक्षित रूप से लोग जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, और आपने पुल खोल दिया। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री का हम इस्तीफा मांगते हैं और हम मांग करते हैं कि एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में समयबद्ध निष्पक्ष जांच की जाए।